आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तुम्हें शांति मिले में। दोस्तों आज का विषय है अंधकार आपको अपनी ओर खींचता है। वचन देखेंगे हम योना 2:8। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। प्रियजनों आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु की स्तुति हो क्योंकि वो भला है। प्रियजनों क्या आपका बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता? क्या आपका मन प्रार्थना में नहीं लगता? क्या आप उदास रहते हैं? क्या आपको डर लगता है? क्या आप रात भर नींद नहीं आती? क्या आपका चर्च जाने का मन नहीं करता? क्या आपका आत्मिक जीवन समाप्त हो चुका है? यदि ऐसा है तो कृपया ध्यान से इस संदेश को सुने। प्रियजन शैतान आपके जीवन में व्यर्थ धोखे की वस्तुओं को लाकर आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाता है। जब आप सांसारिक जीवन जीने लगते हैं तब धीरे धीरे अपना मन बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से अपने आप हटने लगता है, क्योंकि व्यर्थ की वस्तुएं आपको धोखा देती है और परमेश्वर की उपस्थिति से आपको दूर ले जाती है। हर वो वस्तुएं धोखे की है, व्यर्थ है, जिसने आपके जीवन में आने के बाद आपको आत्मिक जीवन समाप्त किया, चाहे वो आपका 4G फोन हो या कोई स्त्री हो या कोई पुरुष हो या आपकी जॉब या धन हो या अपनी संगति हो। ध्यान दीजिए, दुष्ट वही वार करता है जहां आप कमजोर होते हैं। दुष्ट आपकी कमजोरियों को अच्छे से जानता है और वो वही वार करता है जहां आपको कमजोर हो। यदि आपकी कमजोरी धन है तो वो आपके जीवन में धन का लोभ लाकर आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करता है। जैसी आपकी कमजोरी वैसा शैतान का वार होता है। प्रियजनों जब आप अपने मन को सांसारिक वस्तुओं की ओर लगाते हैं तब आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। उड़ाव पुत्र के समान जिसने अपने मन को धोखे की व्यर्थ वस्तुओं की ओर लगाकर अपने पिता का और अपने पिता के घर का त्याग किया, अपने उत्तम भाग को खो दिया। वचन में देखेंगे हम जैसे 1 यूहन्ना 2:15-17 में, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुएं से प्रेम रखना। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। और वचन देखेंगे याकूब 4:7-8 में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो और हे दूषित लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। प्रियजनों हम व्यर्थ धोखे की वस्तुओं पर अपना मन लगाकर परमेश्वर की उपस्थिति का त्याग करते हैं, परंतु परमेश्वर कभी भी हमारा त्याग नहीं करते। वह हमारे मन फिराने का, लौट आने का इंतजार करते हैं। यदि आप भी व्यर्थ धोखे की वस्तुओं पर अपना मन लगाकर परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए हैं तो आज ही अपने मन को फिराकर परमेश्वर के निकट आइए।
परमेश्वर का प्यार आपके लिए सदा एक सा है। वो आज भी आपसे प्रेम करते हैं। वो कभी आपका त्याग न करेंगे। वह कभी आपको धोखा न देंगे। परमेश्वर के निकट आओ, व्यर्थ वस्तुओं से अपना मन हटाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।